जो बीच में एयरटेल का एडवर्टाइज नहीं चल रहा था कि जीरो कंप्लेंट। हेलो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे कि चाय का बिजनेस स्टार्ट तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन बहुत बिजनेस क्या होता है ना, स्टार्ट होने के थोड़े दिन में बंद हो जाता है। तो ये क्यों बंद होता है? देखो, रीजन तो कई सारे है, मतलब परचेज, सेल, मार्केटिंग, लेकिन आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को लेंगे जो मुझे लगता है कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब देखो, कई सारे रीजन होते हैं। अगर यूट्यूब पे वीडियो बनाने की बात करेंगे तो आपको बोलने आना चाहिए, एडिटिंग आनी चाहिए। वैसे ही धंधे में अगर लॉस होता है तो उसके पीछे कई रीजन होते हैं, लेकिन जो मेन कारण मुझे लगता है, मैं वो आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। सो गाइज, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, थोड़े दिन पहले मुझे एक बंदे का कॉल आया और बोलता है कि मयूर सर, क्या करूं, चाय में कलर नहीं आ रहा है। मैंने बोला यार, मतलब क्या हो गया, क्यों नहीं आ रहा है? बोलता है आसाम की चाय है। मैंने बोला ठीक है, थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसकी। तो मैंने उसको पूछा, भाई कितना किलो चाय पत्ती खरीदा है? बोलता है 600 किलो। मैंने बोला ठीक है, कितना रुपया किलो का खरीदा है? बोलता है 125 रुपया किलो। मैंने बोला यार 125, मैं ज्यादातर मतलब मैक्सिमम टाइम मैं खुद पर्सनली आसाम में रहता हूं, मुझे पता है 125 रुपए में कोई आसाम की टॉप क्वालिटी की चाय आज के जमाने में नहीं मिलने वाली है। तो मैंने सीधा सीधा बोल दिया, भाई तुमने जो खरीदा है वो स्क्रैप है, या तो इसको बहुत ही अच्छी चाय लेके आपको ब्लेंड करना पड़ेगा, या तो फिर जो आपने खरीदा 125 में वही 150-160 में बेचो, और बाकी तो इसका कुछ नहीं हो सकता। तो इसमें सीखने वाली बात क्या थी? बहुत सारे लोग समझ गए रहेंगे और कुछ लोग नहीं समझे रहेंगे, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि क्वालिटी, अगर आपको आपके बिजनेस को अच्छा बढ़ाना है, कंटिन्यू ग्रोथ लेके जाना है, ज्यादा समय तक करना है, अच्छा काम करना है, मार्केट में एक अच्छी पहचान बनानी है, तो आपको हमेशा आपके क्वालिटी पे ध्यान रखना पड़ेगा। मैं तो बोलूंगा कि चाय नहीं, अगर आप कोई भी फूड रिलेटेड बिजनेस करते हो तो आपको एक अच्छा क्वालिटी जब तक आप नहीं दोगे, तब तक आपका एक अच्छा बिजनेस नहीं खड़ा हो पाएगा। बिकॉज देखो, जो लोग नए आते हैं मार्केट में, मुझे पता है, मैं आज भी घूमता हूं मार्केट में, तो हमको मतलब नए नए कस्टमर बनाना है ना, फिर वो क्लाइंट बनते हैं, तो इसमें काफी मेहनत लगती है। मतलब बहुत ऐसा नहीं होता है कि हम किसी के पास गए चाय लेके और उसने खरीद लिया। बहुत मेहनत से हम लोग एक एक कस्टमर बनाते हैं, और उसके बाद में जब हमारे क्वालिटी में दम नहीं रहता है ना, तो क्या होता है, हमारा ब्रांड फेल हो जाता है, नेक्स्ट टाइम वो हमसे चाय नहीं लेता है। तो ये मत सोचो कि हमारी चाय महंगी है तो लोग महंगा खरीदेंगे क्या। देखो, बिकता है, सब बिकता है। देखो, जब हम चाय का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम सोचते हैं ना कि हमारा मतलब जो ब्रांड का जो चाय रहेगा वो टाटा के जैसा हो, रेड लेबल के जैसा हो, वाघ बकरी के जैसा हो। तो मैं आप लोगों को एक क्लियर चीज बता दूं कि जितने भी बड़े ब्रांड वाले हैं ना, वो कोई 120-130-140 की चाय खरीद के नहीं भरते हैं, ये अच्छे दाम की चाय लेते हैं, तभी ही वो मार्केट में सक्सेस हो पाते हैं। और चीज, जो बीच में एयरटेल का एडवर्टाइज नहीं चल रहा था कि जीरो कंप्लेंट। देखो, जब आप एक अच्छा चाय पैकेट में पैक करके दोगे ना, तो कस्टमर का अच्छा रिव्यू आएगा कि हां भाई मजा आ गया, चाय तो एकदम सही है। तो उसमें क्या होता है, जीरो कंप्लेंट। तो हमको मतलब आपको एक अलग सा मजा आएगा कि हां यार, नहीं भले महंगी है, प्रॉफिट कम होगा स्टार्टिंग में, यह चीज ध्यान रखना, लेकिन प्रॉफिट कम होगा, लेकिन मन को शांति मिलेगी, हर कोई आपके चाय को अच्छा बोलेगा कि हां भाई चाय तो बड़ी अच्छी है, मजा आ गया। तो गाइस, आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्द।